हरियाणा के सोनीपत में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 31 अक्टूबर को हिसार में स्वर्ण जयंती वर्ष का समापन समारोह मनाया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीपीएल कार्डों में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि इस फर्जीवाड़े की सुनवाई सीएम विंडो पर भी नहीं हो रही है। प्रशासन इस मामले में जांच के नाम पर टाल मटोल रवैया अपना रहा है। गोहाना के गांव बटाना में जमीन विवाद में पिता पुत्र को मारी गई गोली, पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल, आरोपी भतीजा वारदात के बाद से फरार। करनाल के टिकरी कैलाश गांव में मामूली कहासुनी पर शराब के नशे में चलाई गोलियां, दो लोगों ने एक महिला सहित तीन लोगों को मारी गोली, गंभीर हालत में तीनों माँ बेटों को अस्पताल में किया भर्ती। गुरुग्राम में दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन स्कूटी, एक बाइक और एक टाटा मैजिक बरामद। पंचकुला डीजीपी मुख्यालय में युवती ने की खुदकुशी की कोशिश, खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को की आग लगाने की कोशिश, युवती को पंचकुला के नागरिक अस्पताल में किया गया भर्ती। फतेहाबाद के खाराखेड़ी गांव में रविवार देर शाम संदिग्ध हालत में पानी की डिग्गी में डूबने से दो बच्चों सहित मां की मौत हो गई, नहाने के दौरान हुआ हादसा। करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर फ्लाईओवर के ऊपर कार के सामने अचानक गाय आने से हुआ हादसा, एक एक कर तीन कारें आपस में टकराई, तीन लोग घायल। पुनहाना में जमालगढ़ रोड पर पुलिस चौकी के पास एक दो मंजिला भवन का एक हिस्सा बीती रात अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मकान में सो रहे सभी लोग सुरक्षित बच गए। पानीपत में एक ही रात में चोरों ने तीन से चार अलग अलग चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। बदमाशों की ये हरकतें लोगों को परेशान कर रही हैं।